मेरी बहन के दोस्त हैं, उसको फ़ोन उसके घर में फ़ोन करा तो उन्होंने अभी भी बारिश वाला ही बना हुआ है पूरा का पूरा। थोड़ा सही करता हूँ, आई थिंक ये ख़राब है ये वाला चार्जिंग पॉइंट। तो गुड मॉर्निंग मिट्टू, गुड मॉर्निंग मिट्टू, गुड मॉर्निंग। तो गाइस पापा और जा चुके हैं गढ़वाल के लिए, तो पापा आए और वो मैं कल के ब्लॉग में तो डाल नहीं पाया, तो आज के ब्लॉग में डाल के आपको। तो अभी इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर आए थे, तो अब 3 दिन बचे हैं बस जाने के लिए। आज 22 जितनी भी आज 23 है शायद। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उठ ही रहा हूँ, तो आज सुबह एक बहुत दुखद खबर मिली है कि जो मेरे पापा के चाचा हैं जो कि गांव में रहते हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी पापा तो फ़ोन लेके गए नहीं थे आज क्योंकि बारिश हो रही थी, तो घर में फ़ोन छूटा था, तो मम्मी को फ़ोन आया है। तो हमने सिर्फ मेरी बहन के दोस्त हैं उसको फ़ोन उसके घर में फ़ोन करा, तो उन्होंने बताया फिर पापा को, तो शायद अब पापा जल्दी आएंगे आज, तो हो सकता है पापा आज गढ़वाल जाएँ। तो और मेरा गांव जो है वो है सतपुली के बन्नूर पोस्ट ऑफिस के पास्ता गांव है। तो फिलहाल तो अब क्या कर सकते हैं, होने के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, जो होना था वो भी हो गया। जैसे कल एक्सीडेंट हुआ था एक, वो भी सब लिखा विधि विधान लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के आगे। हम बस प्रिकॉशंस ले सकते हैं और थोड़े बहुत सेफ्टी के साथ चल सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हम ऊपर वाले के आगे। तो फिलहाल आज का मौसम भी है बहुत ख़तरनाक हो रखा है, तो आज का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको छत में जाके। तो कल रात से ही बारिश हो रही थी, हाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी कल रात से ही। तो ये मैं चढ़ गया हूँ स्टेयर्स में, और आज मैंने दुकान नहीं खोली है सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऐसी घटना हुई है, तो मेरे ख्याल से दुकान खोलना सही नहीं है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ छत पे, और छत पूरी गीली हो रखी है क्योंकि रात भर बारिश हुई है, और मौसम अभी भी बारिश वाला ही बना हुआ है पूरा का पूरा, मतलब धूप तो नहीं आ रही आज। हमारे यहाँ इधर की साइड से सूरज आता है, अभी फ़िलहाल सूरज यहाँ पहुँच चुका है और डूबता है इधर की तरफ जंगल की इस तरफ पेड़ों के पीछे, और मौसम हो रखा है मस्त। रात को तो अगर बारिश हो जा रही है तो बिना पंखे के सो सकते हो, इतना सही मौसम हो रखा है। अगर जैसे दिन भर धूप है और बारिश नहीं हुई है तब थोड़ा गर्म रहता है, उमस रहती है, अगर दिन भर धूप है शाम को बारिश हो गई तो आप बिल्कुल मस्त करके सो सकते हो बिना पंखे के, और अगर पंखा चलाना है तो आपको कंबल लेना पड़ेगा, तो ऐसा और रखा है मौसम आजकल का। तो चलिए फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है तरुणेश चौहान और स्वागत है आपका एक मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने थोड़ी लेट से करी है क्योंकि मैं उठा भी लेट था और ऐसी खबर भी मिल गई थी, तो मेरे को सही नहीं लगा ब्लॉग जल्दी स्टार्ट करना, या मेरे को वैसे मेरा मन नहीं हो रहा था बनाने का, बट बिना ब्लॉग बनाए तो मैं रह भी नहीं सकता, अभी आदत सी हो गई है एक तरीके की। पर हाँ, जैसे दूसरों के घर जाता हूँ तो थोड़ा शायद सा फील करता हूँ, तो वहाँ नहीं बना पाता हूँ, तो वो भी हटानी है आदत। तो चलिए अभी फ़िलहाल पापा का आने का वेट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास ये एक एयरपॉड्स पड़े थे, इसमें क्या है एक काम कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ये देखिए एक में आप जैसे देख रहे होंगे इसमें लाइट आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सही करता हूँ, आई थिंक ये ख़राब है ये वाला चार्जिंग पॉइंट। तो देखते हैं, लुक तो बिल्कुल एप्पल वाला है बट ये एप्पल नहीं है, ये चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ ने अपना रंग दिखा दिया, और ये अच्छा इसका ब्लू कलर ऊपर आ रहा है। मैं सोच रहा स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया सही में, कुछ तो हुआ था अभी फिर बंद हो गया। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका जो चार्जिंग होल होता है पिन होती है वो ख़राब हो चुकी है, तो इसे देखते हैं सही हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो एक से ही काम चलाएंगे फ़िलहाल। तो वैसे मेरे पास मीवी का भी है एक, ये मीवी के डुओ बड्स, मैं इनका नाम भूल गया, मीवी मतलब आगे वो रहता है ना सरनेम टाइप है, वो बोल चुका हूँ,
और मेरे पास एक पड़ा है मीवी का ही स्पीकर, ये मुझे गिफ्ट मिला था बर्थडे में। तो फिलहाल करते हैं इसे सही। सो गाइस मैंने वो एयरपॉड्स खोल के देखे तो उसका एक कान वाला ही ख़राब हो चुका है, चार्जिंग वाला बिल्कुल सही है। तो क्या कर सकते हैं, ख़राब हो गया हो गया। मैंने खोल के देख लिया था, सही तो नहीं हो सकता है वो। अब गुड मॉर्निंग मिट्टू, गुड मॉर्निंग मिट्टू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मिट्टू। दूसरे वाले को देखो कितनी दूर जाके बैठी है। तो गाइस पापा जा चुके हैं गढ़वाल के लिए, तो पापा आए और सीधा निकल गए। तो अभी निकल चुके हैं, चले गए हैं, अब शाम दिन तक पहुंच जाएंगे 11-12 बजे तक। ये देखिए गाइस एक एक काम पे बैठ रखे हैं दोनों के दोनों, पता नहीं क्या सोच रहे हैं दोनों बैठ के, लड़ाई करके बैठे हैं तो लग रहा। सो गाइस शिवम ने मुझे कल की वीडियोज़ आप भेजी हैं सुबह, तो वो मैं कल के ब्लॉग में तो डाल नहीं पाया, तो आज के ब्लॉग में डाल के आपको थोड़ा राइड का, कल की राइड का मतलब व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा रहा हमारा कल का राइड का सीन। क्योंकि उसने अपने फ़ोन से बनाई थी, मैं तो बाइक चला रहा था, तो जाते हुए मैंने चलाई बाइक, आते हुए मैंने चलाई, तो वीडियो जो है उसी ने बनाई थी पीछे बैठ के, तो उसके फ़ोन से बनी है वीडियो। तो वो कल रात को मैं ले नहीं पाया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था आने में, और उसके यहाँ नेट ख़त्म था, तो आज उसने अपना रिचार्ज करवाया, तो आज सुबह भेजी उसने मुझे अभी, तो मैं आपको डाल देता हूँ, आप देख लेना, इन्जॉय करना। अभी आ रखे हैं डॉक्टर जानवरों के, तो एक्चुअली गाय के घाव हो रखा है, तो वो देखने के लिए आए हैं। सो गाइस अभी आए थे डॉक्टर गायों के, जानवरों के डॉक्टर, तो हमारी जो गाय है मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, तो उसके जो गर्दन पे है ना रस्सी से पूरा वो पड़ गया है छाप सा, तो उससे क्या हो रहा है कि वो पूरा घाव बन गया, अंदर कीड़े लग गए, घर में किसी ने देखा नहीं, तो अभी इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर आए थे, तो इंजेक्शन लगा के चले गए, और उन्होंने बोला कि कपूर की गोली पीस कर डाल देना ताकि बाहर मक्खी वगैरह ना लगे और कीड़े और ना बढ़े, तो इसलिए मैं अभी कपूर लेने जा रहा हूँ। तो हालत तो बहुत बेकार हो रखी है गाय की, गर्दन की पूरी सूज रखी है। तो गाइस एक्चुअली मैं गया था सेलकुई अभी अपनी पड़ोस में एक दोस्त रहती है उसे छोड़ने के लिए राजा रोड, तो अभी मैं फिर जब जा ही रहा था तो मैंने सोचा फ़ोटो भी क्लिक्स करा लूँगा और गाड़ी में थोड़ा तेल भी भरा लूँगा 2-3 दिन के लिए। सो मैंने वैसे भी अब 3 दिन बचे हैं बस जाने के लिए, आज 22 जितनी भी आज 23 है शायद, तो 26 को हम चल जाएंगे। तो अभी मैंने कहा 3 दिन के लिए तेल भरा ही लेता हूँ, तो अभी जैसे ही फ़ोटो खिंचा के मैं नीचे से वापस आ रहा था, और जस्ट 1 किलोमीटर नीचे मेरे घर से बारिश स्टार्ट, और ये देखिए यहाँ भी गीला हो रखा है पूरा, तेज़ बारिश हो रही है, और ऊपर को जाएंगे तो और तेज़ होती जा रही है, क्योंकि मौसम नीचे की तरफ पूरा क्लियर है, बस ऊपर की तरफ है थोड़ा मौसम
बादलों वाला। नीचे तो बिल्कुल धूप आ रखी थी, यहाँ आके थोड़ा बादल लगे, और इधर देखिए ज़रा ऊपर की तरफ, यहाँ पर इधर पूरे बादल लगे हुए। तो अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, फ़ोटोज़ देखते हैं कैसी खींची है, मैंने तो देखी भी नहीं, सीधा उठा के ले आया हूँ। सो गाइस, मैं आया हूँ एली को घुमाने के लिए। अभी शाम के बज रहे 5 और मौसम देखिए क्या ख़तरनाक हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। ये देखिए इधर भी और इधर भी, और बारिश हो रही है तगड़ी। 2 बजे से मैं तो छाता लेके आया हूँ एली को घुमाने के लिए, परेशान कर रहा है एली, बहुत हिला रहा है। और आज पता नहीं कितनी देर से बारिश हो रही है ना, सामने तो पहाड़ों में धुंध लग रखी है, मतलब बारिश तो पता नहीं कैसी हो रही होगी वहाँ, और अभी धुंध लगी हुई है। सो देखते हैं आगे का मौसम कैसा रहता है। सो गाइस देखिए कितना अंधेरा हो रहा है घर के बाहर भी, एक्चुअली काले बादल लगे हुए हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ थोड़ी रोशनी दिख रही है। तो आज लग रहा है कि इंद्रदेव ज़्यादा ही बरस रहे हैं, खुश हैं ज़्यादा इसलिए बरस रहे हैं। तो आज तो लग रहा पूरे शाम तक बारिश है, देखते हैं मौसम कब साफ होता है। तब मिलता है आपसे, अभी अंदर जाता हूँ, एली को घुमाया, थोड़ा भीग गया हूँ, तो साफ वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी तक बारिश हो ही रही है, अंधेरा हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी तक बारिश लगी हुई है, और मौसम आज ठंडा हो गया है। बाहर अगर हवा चल रही है तो ऐसा जैसे सर्दियों में ठंडा लगता है, वैसी ऐसी ठंड हो रही है। पता नहीं है कि ज़्यादा कुछ हो पाएगा इधर उधर बाहर निकलना। मैं सोच रहा था कि अपनी पैंट वगैरह फ़िटिंग करने के लिए देने जाऊंगा, बट अब नहीं जा पाऊंगा शायद, तो कल जाएंगे अब। तो फ़िलहाल तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर आपसे आज वैसे भी रात का खाना तो होगा नहीं, क्योंकि पापा के चाचा जो हैं एक्सपायर हो रखे हैं, तो शायद हमारे यहाँ एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं, और तेल वगैरह में सब मतलब परहेज चलती है कुछ, मुझे ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है अभी इस बारे में। तो आज बस ये पता है कि आज रात का खाना नहीं होगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, एडिटिंग करेंगे फिर सो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।